हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं फटाफट अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, अदरक तो हम सभी रोज़ ही किसी ना किसी यूज़ में लेते हैं। कभी सब्ज़ी में डालते हैं, कभी चाय में डालते हैं, कभी काढ़ा में डालते हैं। आज मैं अदरक की ऐसी ड्रिंक या फिर ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसका दावा वैज्ञानिक भी करते हैं कि अगर डेली इस तरह से सेवन किया जाए जिस तरह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी तो जो वज़न है वो भी घटता है, साथ ही साथ जो पेट के आसपास की चर्बी होती है दोस्तों वो भी घटती है। अदरक के डेली सही सेवन करने से जो हमारा डाइजेशन है यानी पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है, दुरुस्त रहती है। आयुर्वेद में तो अदरक का यूज़ आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा है। अदरक जो है दोस्तों दवा बनाने में भी, औषधि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी खांसी वगैरह आती है तो हम अदरक का रस और शहद वगैरह लेते हैं जिससे गले की खराश में बहुत ही आराम मिलता है। तो अदरक बहुत ही गुणकारी है, बस इसके सेवन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे सेवन करना है, तरीका पता होना चाहिए। अदरक सूजन कम करता है, हमारी पाचन को सही रखता है। सबसे मेन चीज़ दोस्तों जो अदरक है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं जिससे जो वज़न घटाने में हमारे मददगार हो जाता है। ये आज मैं आपको वेट लॉस का, अदरक के द्वारा वेट लॉस का सही तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है दोस्तों, अदरक में होता है जिंजरोल और शोगोल। जब आप अदरक का सेवन करते हैं तो ये जिंजरोल और सोगोल आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं इन्हें बूस्ट करते हैं। और रिसर्च में बताते हैं कि ऐसा पता चला है कि जो मोटापा के कारण व्यक्ति को ऑक्सीडेटिव तनाव होता है यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन हो जाती है, वो उससे ये बचाता है। फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी अदरक जो है हमें बचाता है। अदरक के जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं जिससे सूजन भी कमज़ोर हो जाती है। अदरक का डेली सेवन करने से लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है और आप पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। इसमें मौजूद कंपाउंड जिंजरोल्स ब्लड शुगर लेवल को भी स्थिर करते हैं जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ लोग वाले लोग हैं उन्हें भी बहुत ही आराम मिलता है, जिसकी वजह से और भी इसे पेट की चर्बी घटाने में मददगार माना गया है। इससे कई तरह की ड्रिंक बनती हैं, आज मैं आपको 2 से 3 तरह की ड्रिंक बताऊँगी यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। एक बार की ड्रिंक बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 इंच का ही टुकड़ा लेना है, कुछ इस तरह का। अब आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, चाहे तो ये जो अदरक कूटने वाला होता है इमामदस्ता या फिर मोटारन पेस्टल या सिलबट्टा, जिसमें भी आप चाहें, या बेलन से सिंपली भी आप इसे कूट सकते हैं। तो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का एक बार के लिए आवश्यक होता है। इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। ले लेंगे हम एक साफ़ सुथरा बर्तन, कोई भी भगोना। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि ये ड्रिंक को कितनी बार पीना है और कैसे पीना है और किन किन तरीक़ों से पी सकते हैं। फास्टेस्ट वेट लॉस के तरीके आज मैं बताऊंगी जो मेरे अपने भी अपनाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। आपको ज़रूर मदद मिलेगी इससे वज़न घटाने में और चर्बी घटाने में, साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो 1 से 1.5 कप के लगभग आपको पानी ले लेना है और इसके बाद इसमें करना क्या है, कुटा हुआ अदरक 1 इंच के लगभग डाल देना है और इस पानी को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से उबालना है से अदरक का जितना भी गुण है वो इसमें आ जाए। पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है दोस्तों, इसे और थोड़ा सा हम उबालेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। आंच को थोड़ा धीमा कर देते हैं, अदरवाइज़ जो पानी है आपका पूरा जल जाएगा। तो आप अगर 1 कप पीने वाले हैं यानी आपको 1 कप ही पीना चाहिए तो आप इसके लिए 1.5 से 1.5 कप के लगभग पानी रखना है आपको। और कलर अब आप देख पा रहे होंगे इसका चेंज होने लगा है, यानी कि अदरक के जो गुण हैं वो धीरे धीरे इसमें आने लगे हैं।
ढाई से तीन मिनट हमने इसे पका लिया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे नीचे उतार लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो एक कप लेंगे इस तरह से, और जिसमें भी आप पीना चाहते हैं। और इसके बाद में हम ये जो पानी है अपना अदरक वाला, इसे छान देंगे छन्नी से। अब दोस्तों छन्नी में ये जो चाय, ये जो बचा हुआ है अदरक, तो अदरक जो है थोड़ा बहुत अर्क तो इसमें रहता ही रहता है, तो आपको इस अदरक को फेंकना नहीं चाहिए जब आप ये ड्रिंक दोबारा बनाएंगे, क्योंकि आपको ये ड्रिंक दिन में मिनिमम दो बार और मैक्सिमम तीन बार लेनी है। तो आप ये कोशिश ज़रूर करें कि आप इस ड्रिंक, और इस ड्रिंक को दोस्तों गुनगुना लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, चाय की तरह बिल्कुल ठंडा करके भी नहीं लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी ड्रिंक बनाई है, टी बनाई है। अगर आप जिंजर का जूस बनाते हैं तो आप उसे ठंडा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चर्बी घटाना चाहते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपको गुनगुने पानी की चाय का ही इस्तेमाल करना होगा। इससे जल्दी से जल्दी वेट जो है लूज़ होता है, चर्बी पिघलती है। तो ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है अदरक की वजह से। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अभी आप चाहे तो इसे ऐसे भी पी सकते हैं। मैं आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन देती हूँ जिंजर और लेमन ड्रिंक की। तो यहाँ पर है मेरे पास लेमन। तो एक बार में अगर आप ये ड्रिंक दो बार लेते हैं, एक बार तो सुबह आप खाली पेट लीजिए, दोबारा इसे आप शाम को खाना खाने के दो ढाई घंटे बाद, तीन घंटे बाद, यानी 6 बजे के लगभग इवनिंग में आप इसे ले सकते हैं। तो इसमें डालेंगे हम लेमन जूस आधा नींबू का लेमन जूस डाल लेंगे, क्योंकि हमें दो बार में लेना है इसलिए हम आधा आधा लेंगे। तो हमारा जो नींबू का कंजम्पशन है, एक नींबू पर डे का जो, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत होता है जो हमारे वजन को घटाने में, चर्बी को लूज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, टॉक्सिन्स को बाहर करता है, तो इसलिए नींबू आपको बहुत ही ज़रूरी है लेना। तो जब आप इसको सादा भी ले सकते हैं, अगर कभी नींबू आपके पास नहीं है इन केस, तो आप बिना नींबू के बस ऐसे ही इसे लीजिए, या फिर नींबू है तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। तो आप जिंजर एंड लेमन टी हो जाएगी आपकी। तो आप एक कप में आधा नींबू का रस एक बार में डालिए और दो बार आपको लेना है। इसके साथ साथ अब अगर आपके पास नींबू नहीं है या आप नींबू आपको सूट नहीं करता है, बहुत सारे लोग हैं जो मैंने आपके साथ ड्रिंक शेयर की हैं तो बताते हैं कि मुझे नींबू सूट नहीं करता है, फ़ायदा नहीं करता है, तो वो लोग नींबू ना ले करके शहद लें। दो बार लेना है तो एक छोटी चम्मच शहद इसमें मिला दीजिए। शहद आपको तभी मिलाना है जब आपकी ड्रिंक थोड़ी ठंडी हो जाए, गुनगुनी हो जाए। गरम गरम ड्रिंक में शहद को नहीं मिलाना है, ना ही बहुत ज़्यादा गरम ड्रिंक को पीना है। तो ये हो गई दोस्तों हमारा, पहले मैंने बताया आपको अदरक की चाय, दोबारा बताया मैंने अदरक और नींबू की चाय, और तीसरा मैंने बताया अदरक और शहद की चाय। तो ये तीन ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, आपको जो बेटर लगे आप उसे ले सकते हैं, जो ठीक लगे। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नींबू को ज़रूर शामिल करें, अगर आपको नींबू नुकसान नहीं करता है तो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप नींबू और शहद दोनों हटा दें, दोनों नहीं लेना चाहते, सिर्फ आपके पास अदरक का ये चाय है, तो एप्पल साइडर विनेगर आता है, ACV जिसे बोलते हैं, यानी कि सेब का सिरका, आप उसे भी इसमें मिला के लेंगे ना, तो एप्पल साइडर विनेगर जो है चर्बी घटाने के लिए दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है। आप एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का इसमें मिलाएं, तो जो भी चीज़ें आप इसमें मिलाएं वो इस ड्रिंक को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मिलाएं। और दो बार ये जिंजर और एप्पल साइडर विनेगर की ड्रिंक ले करके देखिए आप, एक महीने तक इसे रेगुलर लेके देखिए, या फिर आप इसे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका जो वज़न जितना आपको गेन करना है उतना नहीं हो जाता है। अब अगर दोस्तों ये आप गरम नहीं लेना चाहते हैं तो मैं आपको जूस बता देती हूँ इसका कैसे बनेगा। इसके लिए आपको एक कप सादा पानी लेना है और मिक्सर जार में डाल लेना है, उसमें आपको नींबू डालना है, आधा नींबू का रस ले सकते हैं और थोड़ा सा शहद ले सकते हैं, एक चम्मच शहद, आधा नींबू, एक कप पानी,
मिक्सर जार में डाल के पीस लीजिए, छन्नी से छान लीजिए और उस जूस का सेवन आप, इस ड्रिंक का सेवन आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अदरक से रिलेटेड बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही कारगर वेट लॉस ड्रिंक्स, वेट लॉस जूस। ज़रूर आप लोग इसे ट्राई करके देखिए, बड़ा ही आसान है, बहुत हेल्दी है, बहुत फ़ायदेमंद है। बारिश का सीज़न चल रहा है, आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा, गले की खराश से बचाएगा, खांसी जुकाम से भी ये दूर रखेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। दूध वाली चाय लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, दूध की चाय की जगह पे आप इसे लीजिए, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार आप शाम को इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बाकी सभी दोस्तों के साथ में, जिस जिसको भी इसकी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है जिसका मोटापा बढ़ा हो या वज़न बढ़ा हो वही इस ड्रिंक को ले सकता है, फिट व्यक्ति भी इसे ले सकते हैं, उन्हें और भी इसके अच्छे फ़ायदे, रिफ्रेश रखने में ये बहुत मदद करता है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी लेकर के।